अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ हम बताएंगे चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं सर जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ, ये कयूमाबाद इंटरचेंज कहलाता है। कुछ व्यूज़ मैंने यहाँ शूट किए हैं, वो इंशाल्लाह एक वीडियो में मैं आप तमाम लोगों से शेयर करूँगा। मैं एक छोटा सा मोटो ब्लॉग बना के आपको कयूमाबाद इंटरचेंज से कुरंगी EVM कॉजवे तक लेके जाऊँगा। ये मलीर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कि तकरीबन 32 किलोमीटर का एक पूरा एक रूट है, जो कि कुरंगी से स्टार्ट होके काठोड़ तक जाएगा। इस रूट की निस्बत जिन लोगों ने DHA बैरियर टाउन जाना होगा, वो इस रूट के ज़रिए तकरीबन 20 से 25 मिनट में कुरंगी से DHA से काठोड़ तक 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है इस पूरे कराची के लिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम जल्द से जल्द कंप्लीट होगा। फेज़ वन पे काफ़ी स्पीड से काम चल रहा है, काफ़ी रोड कारपेटिंग हो चुकी है, टूल प्लाजा पे भी काम चल रहा है। और आज मैं छोटा सा मोटो ब्लॉग बना के आप तमाम लोगों को कयूमाबाद इंटरचेंज से लेके कुरंगी EVM कॉलेज तक जाऊंगा, और इस दरमियान जो भी प्रोग्रेस यहाँ पर हो चुकी है, जो डेवलपमेंट यहाँ पर आज चल रही है, वो इंशाल्लाह इस के ज़रिए शूट करके मैं आप तमाम लोगों से शेयर करूँगा। आज 10 तारीख है, तकरीबन 9:30 का टाइम है, और अपना मैं मोटो ब्लॉग ऑन करता हूँ और आपको लोगों को तमाम व्यूज़ यहाँ से शूट करके दिखाता हूँ। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। किसी भी किस्म की कोई सजेशन, कोई एडवाइस, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं लाजमी आपको जवाब दूंगा। सराउंडिंग के व्यूज़ में आपको दिखा दूँ कि सामने कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, और ये सामने कायदा सामने जाम सादिक ब्रिज है। ये बीच में एक छोटा सा अंडरपास टाइप का बनाया जा रहा है। ये वो पोल है, इलेक्ट्रिक का पोल, जिसकी फाउंडेशन बना के इसको लगा भी दिया गया है। सामने सेंटर सिटी टावर है, सेंटर पॉइंट टावर है। मैं अपना मोटो ब्लॉग कंटिन्यू करूंगा। ये सामने इकरा यूनिवर्सिटी, ती
मैं इस वक्त तुरंगी ईवीएम कॉजवे पे पहुंच चुका हूं। ये सामने आपको इंटरचेंज नजर आ रहा होगा, जिन लोगों ने तुरंगी से ईवीएम कॉजवे से उतर के शाहराह फैसल बलोच कॉलोनी महमूदाबाद की तरफ को जाना होगा, वो इस रूट को इस्तेमाल करेंगे। इसके बारे में पहले भी अपडेट कर चुका हूँ। मैं फिलहाल यहाँ पर पहुँचा हूँ तुरंगी ईवीएम कॉजवे, ये कहलाता है, जो कि मनीर एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा है। सामने आपको मनीर आपको तुरंगी ईवीएम कॉजवे नज़र आ रहा होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया।